आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी के ईओडब्ल्यू की छापामार कार्यवाही में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पकड़े गए छतरपुर जिले की बदौरा कला समिति के सहायक प्रबंधक की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने 7 मई को सहायक समिति प्रबंधक प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ छतरपुर बारीगढ़ एवं ग्राम जोगा में छापामार कार्यवाही की थी। 3 स्थानों पर छापे मारे गए थे। इस कार्यवाही के दौरान प्राण सिंह एवं उनकी पत्नी मीना सिंह के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू के द्वारा इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ईओडब्ल्यू जबलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों की 1,01,62,000 रुपए कीमत की 35 कृषि भूमियों, 10,57,500 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, बैंक खातों, पोस्ट ऑफिस के खातों में जमा 50,25,449 रुपए सहित 28,48,000 रुपए कीमत के 5 वाहनों को फिलहाल न्यायालय ने कुर्क करने का आदेश जारी किया है। छतरपुर के विशेष न्यायालय ने इस मामले में आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक ने दी। ये प्रकोष्ठ इकाई सागर का अपराध क्रमांक 32/22 था, जिसकी विवेचना डीएसपी एवी सिंह के द्वारा की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में 7 मई 2022 को आरोपी प्राण सिंह के 3 ठिकानों पर, 3 निवास स्थानों पर जो है सर्च की कार्रवाई कराई गई थी। सर्च की कार्रवाई में जो इनकी अवैध आय से अधिक संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके संबंध में उन संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। ये याचिका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अध्यादेश 1944 के अंतर्गत पेश हुई और माननीय न्यायालय में ने उसमें कल सभी संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। ये जो संपत्तियां हैं इनमें लगभग 35 कृषि भूमियां हैं जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए के आसपास के जेवर हैं, 50 लाख रुपए इनके बैंक और अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में डिपॉजिट हैं और कुल 28 लाख रुपए के वाहन। ये जो आरोपी हैं प्राण सिंह, ये तो वहाँ पर सहायक समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल